बार चल दुनिया नहीं है बबल। कौन है तू? कट्टी ते अधर आके भूल गया क्यों? मेरे यूनिट पे यूनिट बिजली के बताए जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुबारक हो। खैर मुबारक, ले आओ मिठाई। मिठाई किस लिए? ओए खाली खुली मुबारकबाद तो नहीं देते ना? कोई चमचम, लड्डू, बर्फी, 2-2.5 किलो तो कम अज कम हो तो फिर मुबारक बनती है। मिठाई तो मैं नहीं लाया, लेकिन आप फिक्र मत करें क्योंकि आपके घर आया है इनाम। सच्ची? चल दे छेती छेती। मैडम जी मेरा नाम इनाम है और मैं टिकट बेचता हूँ। अच्छा, किसके? रेलगड्डी के क्या, हवाई जहाज के? नहीं, लॉटरी के। ओ, चल दफा हो, कोई टिकट शिकट नहीं चाहिए, चल निकल इधर से। अरे पूरे 1 करोड़ की लॉटरी है। अच्छा चल दे फिर 1 करोड़। लेकिन इसके लिए पहले आपको टिकट खरीदना होगा, सिर्फ 10,000 रूपए। अच्छा ठीक है, चल दे मुझे तू 1 करोड़, मैं तुझे 10 नहीं 20,000, चल 50,000 दे दूंगा। नहीं नहीं मैडम जी, उसके लिए पहले आपको टिकट खरीदना होगा। ओए ये जो पीछे गली है ना, इससे दौड़ जा इधर से, नहीं तो मैंने तेरी बहन मरोड़ देनी है। चल दफा हो इधर से। मैडम सुने तो। एक्सक्यूज मी मैम, ये घर आपका है? नहीं, हम तो यहाँ वो हैं। वो कौन? वही जो कुछ दिन के लिए रहते हैं ना। मेहमान? नहीं नहीं मेहमान नहीं, वो जो रहने के पैसे देते हैं ना। ओ किराएदार। हाँ हाँ, हम यहाँ किराएदार हैं। मैडम अगर आप चाहें तो ये घर खरीद सकती हैं। मैं? लेकिन मेरे पास तो 1 खूटी पौड़ी भी नहीं है। मैडम आप घर खरीद सकती हैं क्योंकि आप बहुत जल्द 1 करोड़ की मालकिन बन सकती हैं। ओई शबशे, ओई कहाँ है मेरा करोड़, जल्दी से निकाल के मुझे दे। रिलैक्स रिलैक्स मैडम, मैं बता रहा हूँ इसके लिए पहले आपको लॉटरी का टिकट खरीदना होगा जो कि सिर्फ 10,000 रूपए का, और उसकी कुरानदाजी भी आज ही है। मेरे पास कोई नहीं है 10,000 रूपए। देख ले मैडम कहीं से अरेंज कर ले, क्योंकि आप मुझे बहुत नेक और अल्लाह वाली लग रही है। आपका 1 करोड़ तो निकलेगा ही निकलेगा। हाय सच्ची, हट परा, मैं अरेंज करती हूँ, हट जा। ओए कैसी मुश्किल आन पड़ी है, किसी मुसीबत में फंस गई हूँ, है कोई अल्लाह का प्यारा जो मेरी मदद करे। अरे भाई मुमताज बहन, ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आप चश्मे बहा रही हैं, हमारा मतलब आंसू बहा रही हैं। मेरी तबीयत बड़ी खराब है तो डॉक्टर ने ना टेस्ट कराने को कहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, अल्लाह जी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अरे भाई महमूद साहब या नवीन से कह के देख ले आप, वो दोनों तो बहुत ही घटिया है। इसमें तो खैर कोई शक नहीं, ऊपर से गरीब भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी के पास पैसे नहीं कोई मेरी मदद नहीं करता, मुझे पैसे दे दे मैं 2 घंटे में वापस कर दूंगी। बस 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 बस, वो क्या है कि हमारे पास ये 5,000 रुपए है, घर का सौदा लेने जा रहे थे, ये आप रख लीजिए, लेकिन वाजे रहे कि ईमानदारी से 2 घंटे के बाद ये पैसे वापस कर दीजिएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू, लाइए हमारे पैसे वापस कीजिए। नहीं नहीं थैंक यू, वेरी गुड बॉय। ये हुई ना बात, बॉय कितना सुरूर मिलता है ये सुन के। प्लीज मुझे 5,000 दे दे, बड़ी जरूरत है। अरे मैं कहां से दूं मोमो जी, बातें कर रही हो तुम भाई, हर महीने सारी पेंशन ला के तो तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे, तो मेरे पास और पैसे नहीं है। आपने इधर उधर छुपा के रखे होंगे ना, आप बड़े मिसले हैं, जेबें चेक कर। अरे क्या कर रही हो, ठहरो ठहरो, ये तो तुम्हारी हर चीज पे नजर होती है। अच्छा चलो ये 2,000 है, 1,000 तुम ले लो। गुड बाय। अरे मोमो, अरे आखिरी 2,000 थे यार। अरे मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, आप 3,000 मांग रही थी ना, ये मैं खूबसूरत के पर्स से चुरा के लाया हूँ। जिंदा रहे पुत्र, हट परम। हाँ मेरी प्यारी माँ। ये ले पैसे, पूरे
10,000। मुबारक हो मैडम। ला दे 1 करोड़। नहीं मैडम, 1 करोड़ नहीं, लॉटरी का टिकट दूंगा जिस पर आपको 1 करोड़ इनाम मिलेगा। और अगर ना निकला तो? अरे निकलेगा मैडम, क्यों नहीं निकलेगा, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है। मैं लॉटरी बेचने के साथ साथ माथे की लकीरें भी पढ़ लेता हूँ, साइड बिजनेस है मेरा। और आपकी शक्ल देख कर मुझे लग रहा है कि आप 1 करोड़ की मालकन बनने वाली है। भाई मैं इतने पैसों का करूँगी क्या कलाम? कलाम नहीं, इनाम मैडम। ऐसा करें आप, ये ले। हाँ, इतना बड़ा चेक? ये चेक नहीं है मैडम, चेक तो जीतने के बाद मिलेगा ना, ये कुछ शराइत है जिन पर आपको साइन करना है, आप चाहे तो पढ़ के देख ले। बचपन से मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। अच्छा तो फिर आप एक काम करें, ये पेन पकड़े, इसको खोलें और इस पे साइन कर दें। अच्छा फिर इधर आ तू, इधर आ, शाबाश, मुड़ जा मुड़ जा। ये ले बच्चों, मैंने कर दिया साइन। अरे वाह मैडम वाह, देखिए अब इनाम जीतने के बाद ना मुझे भूल मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं। बेगम, हाँ? आपकी चाय हाजिर है। अच्छा ठीक है, कैसे चाय लेके आए हो? मुस्तकीम सारी चाय सट दी है। 5,000 दिए थे ना सौदे के, उसका हिसाब तो दो जरा। वो क्या है कि सौदा तो हम ना ला सके बेगम। क्यों नहीं ला सके सौदा? मैं देख रही हूँ कि भाई वो वड्डे मुंह वाले महमूद और निक्की टी शर्ट वाले वो जो नबील है ना, उसकी तरह तुम भी काम चोर होते जा रहे हो। भाई हम काम चोर नहीं है, बाखुदा हम रहम दिल है, इसलिए तो हमने रहम खाकर वो पैसे मुमताज जी को दे दिए। हाय, मुझे पहले ही शक था मुस्तकीम के तुम्हारी कुछ ज्यादा ही हमदर्दियां चल रही हैं उस पागल औरत के साथ। हाय मेरे पैसे तुम्हें उसे देने की हिम्मत कैसे हुई? इस बात पे तो सीधी सीधी तुम्हें सजाए मौत होनी चाहिए। रहम रहम जोजी बेगम रहम, वो पैसे तो हमने उधार दिए उनको। किससे पूछ के दिए उधार तुमने उस मकौरनी को? भाई आप तो जानती हैं किस कदर मोम दिल हैं हम, वो रो रही थी, हमने उनके टेस्ट कराने के लिए पैसे दे दिए। किसने कहा है तुम्हें पराई औरतों का इलाज कराते फिर, वो भी मेरे पैसों से? आप परेशान ना हो, उन्होंने हमें जबान दी है, 2 घंटे में लौटा देंगी वो। ओए जबान नक कुछ भी दे दे, मुझे नहीं है यकीन उस पे, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। चल मेरे नाल। जो हुक्म आपका। आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। पुत्र दील, मेरा ना वो बदलने वाला है। वो क्या? वो जो बहुत अरसे से नहीं बदला। शौहर माँ जी? नबील। देखे माँ जी, अगर आपने महमूद साहब को छोड़ना है तो शौक से छोड़ दें, लेकिन मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। मेरा शौहर नहीं, मेरा वो बदलने वाला है बच्चू। क्या घर? ओ माँ जी जो भी बताना है यार, प्लीज जल्दी बता दें, मेरे पास पहेलियां बूझने का वक्त नहीं है। मेरा ना वक्त बदलने वाला है। नबी, तुमने मेरे बैग से पैसे निकाले? जानू मैं मजबूर था जानू। ऐसी क्या मजबूरी थी जानू? जिंदगी में पहली बार मेरी प्यारी माँ ने मुझसे पैसे मांगे थे, इसलिए मैं तुम्हारे बैग से 3,000 चुरा कर इन्हें दिए। अरे तुम्हारी माँ ने 2,000 रुपए मुझसे भी लिए। 5,000 रुपए मेरे मियाँ से भी लिए। नहीं, कट मेरे पैसे। अरे मोमो, तुमने सबसे पैसे क्यों लिए भाई? क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैंने ना लॉटरी का टिकट लिया पूरे 10,000 रुपए का। क्या 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 भाई, खुदा झूठ ना बुलवाए, हमें तो ये सारी रकम लूटती हुई नजर आ रही है। माँ जी आपने क्या किया, ये लॉटरी वगैरह सब बकवास होती है, कोई इनाम नहीं निकलेगा। नबील अब तुम मेरे पैसे वापस करोगे सारे? जानू शट अप, इट्स नॉट ओके जानू। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए मुमताज। मुझे भी। ज्यादा मरो मत तुम लोग, तुम लोगों की एक एक पाई मैं वापस कर दूंगी, बल्कि जितने लिए ना उससे ज्यादा वापस कर दूंगी, बस एक बार इनाम निकल जाए। माँ जी कोई इनाम नहीं निकलेगा। इनाम निकलेगा? अनाम ने कहा था कि अनाम निकलेगा। अनाम? ओए ओ वाला नाम, वो तो मुझे भी टिकट बेच रहा था, मैंने तो उसे तमकियां तुमकियां दे के घर से कढाया। ला जी मेरे 2,000 तो गए पानी में। मैं 5,000 नहीं छड़ने अपने, निकट मेरे पैसे तू नहीं। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तहार नाराजगी की बात नहीं है मोमो यार, तुम कम से कम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेती। नहीं पूछने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए कि मुझे तो आपका नाम याद ही नहीं रहता अमजद। अरे नाम की बात नहीं कर रहा मोमो, मैं उस टिकट की बात कर रहा हूँ, लॉटरी के टिकट की। कम से कम खरीदने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लेती कि खरीदना है या नहीं खरीदना। मैं अपनी मर्जी की वो खुद हूँ जबरान। हाँ तो फिर सबको ना खुद ही पैसे वापस करना, और मेरे भी अगर मुझे
पहले पता होता ना कि तुम इस फजूल काम के लिए पैसे मांग रही हो, मैं एक टैडी पैसा ना देता तुम्हें बेवकूफ औरत। मैं सबके पैसे ना तुम लोगों की पीठ पर मारूंगी। अरे भाई मुंह पर मारोगी ये कहो। ना ना मुंह पर तो मैंने सबके चपेड़े मारनी है, बस एक बार 1 करोड़ का इनाम निकल तो जाए सही। कोई इनाम नहीं निकलता मोमो, ये सब बकवास है यार। मेरा इनाम जरूर निकलेगा बच्चू, देख के बताए ना इसकी कुरानदाजी कब है। अरे अरे ये तो आज ही की डेट है, और देखो इस पे ये वेबसाइट भी दी हुई है। ठहरो ठहरो चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। अरे मोमो ये हमारा इनाम निकल आया है। अच्छा तुम लोगों का भी इनाम निकल आया है, क्या तुम लोगों ने भी टिकट लिया था? अरे भाई ये वही टिकट है जो मुमताज बहन के पास है, और इसमें सबके पैसे शामिल है। भाई इनका इनाम निकला तो समझिए सारे ही हकदार हैं उसके। पैसे तो मेरे भी थे क्योंकि नबील ने मेरे पर्स से पैसे चुराए थे। अरे भाई आप लोगों के पैसे आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा रकम तो मेरी थी ना शामिल उसमें, इसलिए हिस्सा भी सबसे ज्यादा मेरा होगा, दादा होगा। ओए मुबारक हो मेरी बहन, मुबारक हो। उसी तो मैं बहन अमीर हो गई। मार केड़ी बहन, मैं जो जी तेरी निक्की बहन। अरे मुमताज बहन अपने भाई को आप कैसे भूल सकती हैं? बहुत आड़े वक्त में हमने आपकी मदद की थी, आपके काम आए थे। अरे भाई मेरी मोमो जो है ना बहुत ही भोली वाली है, ये पैसों के मामला जो है ना वो हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए आप लोगों ने जो भी बात करनी है ना मुझसे करेंगे आप। देखिए मैं काफी अरसे से ये घर चला रही, इसलिए मुझसे ज्यादा बेहतर ये सब कुछ कोई हैंडल नहीं कर सकता। मैं पैसे मैनेज करूंगी। ओए मैं मकान मालकन हूँ, मेरी बहन मेरी गल सुनेगी। क्यों है मोमो? अरे मैं शौहर हूँ इसका। ओ खामोश मेरी प्यारी माँ जी, आपको इन लालची लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आए। मेरी माँ है, मेरी माँ है, आइए आए माँ जी, आए 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 माँ जी, आए आए माँ जी। माँ जी ये सारे लोग बड़े लालची हैं, आपने किसी की एक बात नहीं सुननी, ये आपके पैसे के पीछे। इश्फाक भी? ओ माँ जी आपको पता है वो उड़ने वाला सांप है, 1 करोड़ को यूं निकल जाएगा यूं। ओए पुत्र अब मैं क्या करूँ? माँ जी मैं नहीं चाहता कि आपके 1000 दुश्मन बने, आप एक काम करें आप ये सारा पैसा मेरे नाम कर दे। हाँ हाँ मैं तो दुश्मनों से निमड़ने का आदी हूँ, मुझे तो परवाह ही नहीं है ना, मैं जेब में लेके घूमता हूँ दुश्मन। मुमताज मेरी सोनी बहन, मैंने तेरे लिए मजेदार हलवा बनाया, चला नीचे तुझे खिलाऊं। हलवा बनाया तो खैर हमने है, ये तो सिर्फ आपको लेने आई है। चुप नहीं करते आप? चल मेरी बहन नीचे जाके ना लान में बैठते हैं, वहाँ जाके दोनों बहनें चुस्कियाँ ले लेके गर्मा गर्म चाय पीते हैं, गपशप करते हैं और हलवा खाते हैं, और उसके साथ साथ ये आपको मुफ्तों मुफीद मशवरे भी देंगी। नहीं नहीं मोमो तुम मेरे साथ चलो कमरे में, भाई मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। हम ना वहाँ बैठ कर सोचेंगे कि इस पैसे का फ्यूचर में हमने करना क्या है। भाई मुझे लगता है माँ जी कि हमें ये पैसा पापा के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर तो सिक्योर हो। कैसे लालची लोग हैं आप लोग, मेरी प्यारी माँ को बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं अभी जिंदा हूँ तो पुत्र तू मर ही जा। माँ जी अब मुझे सब पता है तुम लोग मेरे पीछे क्यों हो, कान खोल के सुन लो एक बात, जिसने जितने जितने पैसे दिए ना मैं डबल करके मुंह पे मारू। जोजी को 10,000, फरजाना को 6 और अफ्तखार को 4 दूंगी, इससे ज्यादा मैंने किसी को एक खुटी पौड़ी नहीं देनी। शक्लें गुम करो अपनी, ओए मुंह घुमा। ना वैसे तो तुझे कुछ नहीं याद रहता, पागल पागल बनी रहती है, हिसाब किताब पूरा पूरा याद है तुझे। इसलिए कि मैंने सारा कुछ लिख लिया था, मुझे पता है तुम लोग एक नंबर के जाहल और लालची लोग हो। उस पैसे से मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना, मैंने आप वर्ल्ड टूर पे चले जाना है, चलो निकलो इधर से। तुम्हारी ये मेरा कमरा है यार। अच्छा तो फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। हुर्री खुश खुश हुर्री खुश। देखो जी बिजनेस से जो बिजनेस
और कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। वैसे तो मेरे 5,000 के हिसाब से 50 लाख बनते हैं, पर चलो ठीक है, मैं 40 पे भी मान जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे 40 लाख रुपए आपको दे दे भाई, फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा यार? ओ यार माँ जी, किसी को कुछ देने को तैयार नहीं है, वो तो वर्ल्ड टूर पे जाने का सोच रही है। भाई हमारा तो ये ख्याल है कि जितना मिल रहा है सबर शुगर करके ले लेना चाहिए। भाई जितना हमने दिया था उससे तो ज्यादा ही दे रही है ना। वैसे दिल बहुत बड़ा है मुमताज बहन का। खाक बड़ा है दिल। हाँ मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि पूरा 1 करोड़ हम चारों में बंटा जा सकता है बराबर बराबर। कैसा आइडिया ज्योति बाजी? देखो नबील, तुम्हारी माँ ने हमारे लिए कोई रास्ता तो छोड़ा ही नहीं है कि हम पैसे बांट लें, वो तो सपड़े बन के बह गई है। एक आसान सा हल है बस, उसका मर्डर कर दे। नहीं भी नहीं, मैं अपनी माँ को अपने हाथ से नहीं मार सकता। आप ये काम महमूद साहब से करवा ले। कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं अपनी इतनी प्यारी मोमो को कैसे कत्ल कर सकता हूँ भाई? आप लोग एक काम करें, आप दोनों में से ये काम क्यों नहीं कोई कर लेता? लाहौल विल्ला को होता इल्ला बिल्ला। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कत्ल पर आमादा हैं दोनों? अब क्या कर सकते हैं मुस्तकीम साहब, सबको एक ना एक दिन जाना है इस दुनिया से, और माँ जी कुछ दिन पहले चली जाएगी। हाँ तो बस ठीक है, मुस्तकीम मारेगा मुमताज को। अरे क्या फरमा रही है बेगम, हमने तो आज तक एक बच्ची नहीं मारी, इंसानी जान कैसे ले लेंगे हम? ओए जान तो तुम ही लोगे मुस्तकीम। आइडिया सुनो, मैं खाने में मिलाऊंगी जहर और खाना कमरे में तुम लेके जाओगे मोमो के लिए। इस तरह सुच्चा 1 करोड़ हमारा। क्या कर रहे हो तुम? रो रहा हूँ यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जितना भी रोना है ना रो लो, पैसे तो तुम माजी से नहीं निकलवा सकते। जानू इसी बात का तो हल निकाला है, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। क्या हल? जानू माजी ने कोई चारा ही नहीं छोड़ा, इसीलिए हम सब मिलकर उन्हें जहर दे रहे हैं। नबील तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम लोग माजी का मर्डर प्लान कर रहे हो। आए आए जानू, ये पैसा बड़ी जालिम चीज है, अपनों को दुश्मन बना देता है, आंखों पर पट्टी बन जाती है पट्टी। नबील तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ जानू मैं पागल हो गया हूँ। हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ जानू। अपने हिस्से के पैसे लेकर मैंने पहाड़ों में निकल जा रहा है, वहाँ मैंने जाके योगा करना है, मैंने डिटॉक्स करना है। वो तुम्हारी माँ है नबील, तुम पैसे के लिए अपनी माँ को जहर दे रहे हो, जरा सोचो। जानू जहर मैं नहीं दे रहा, मुस्तकीम साहब महमूद साहब और जूची बाजी दे रही है। मैं तो सिर्फ अपना मुंह ही बंद रख रहा हूँ जानू। तुम मुझे पिछले 14 साल से यही कहती हो, शट अप नबील, शट अप नबील, शट अप, शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे भाई बरखुरदार, हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। अब देखिए ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ भाई नबील, परेशान मत हो मेरा बेटा, फिकर नहीं करो, मैंने तुम्हें दूसरी मामा ला दूंगा। अगर इतना ही प्यार करते थे माँ जी से तो जहर क्यों दिया उन्हें? क्योंकि जानू पैसा प्यार से बड़ा होता है यार। अगर तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें 1 करोड़ दिया ना, तो मैं मजबूरन तुम्हें भी जहर दे दूंगा। क्या शराब नबील? इट्स ओके जानू। माँ जी। ओ चलो जी चलो, बस हो गया रोना पिटना बहुत, अंदर चलो, जाके तदफीन की तैयारी भी करनी है, उसके बाद पैसों का बंटवारा हिस्सा उस्सा लेना देना है सबने। भाई नबील मियां आइए, अपनी वालिदा का आखिरी दीदार कर लीजिए। मैं अपनी माँ की लाश नहीं देख सकता। काश काश माँ जी की जगह मैं मूसा होते तो मैं खुशी खुशी चला जाता अंदर। नबील, अंदर तुम्हारी माँ है, मैं नहीं हूँ, चलो। हाय हाय वे, बस भी करो ये मकारियाँ, हंसी खुशी अपने पैसे लो ते याशी मारो। जो जी बाजी, मैं अपनी माँ के मरते ही ऐश नहीं कर सकता। मैंने सोचा है कि स्वयं के बाद दुबई जाऊंगा, मेरी माँ को बुर्ज खलीफा बड़ा पसंद था, मैंने सोचा बुर्ज खलीफा के नीचे मैंने
मिठे चौलों की देख देनी है अपनी माँ जी के नाम। अच्छा चलो अभी तो अंदर चलो ना। चलो 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 चलो। कैसा रूप चढ़ा है, कितनी प्यारी लग रही है। महमूद साहब ये ड्रामेबाजियां मत करें मेरी माँ की लाश पर, वरना जो बचा हुआ जहर वाला खाना सारा आपको खिला दूंगा मैं। नबील मैं तो कहता हूँ कि वो जो रकम है ना इनामी रकम, उसमें से ना 10-1 लाख मुझे दे दो। मैं मोमो के ना कफन दफन का इंतजाम अच्छा करना चाहता हूँ। ना क्यों दे दे 10 लाख है, एमए दे दे, इतने पैसे जाया करने की जरूरत क्या है, हमें सस्ती सी कब्र बनवा ले। भाई हम तो कहते हैं कम खर्च बाला नशीं, यहीं दफना देते हैं कहीं लॉन में, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। माँ जी मुझे आपकी बड़ी याद आएगी। तुम जिंदा हो, देखा मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाओगी। चुप है बड़े मुंह वाले भेड़िए, तुझे तो मैंने अपने हाथों से जहर देना है और तुझे तेरा तो गला दबा के मारूंगी मैं, वरना मेरा नाम शकीला नहीं। वो तेरा नाम तो शकीला वैसे भी नहीं है। और भैया मैं तो ये नहीं समझ आ रही कि जहर वाला खाना खाने के बाद आप जिंदा कैसे हैं? क्योंकि मैंने माँ जी को बता दिया था कि आप सबका क्या इरादा है। नहीं वैसे तो तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो, ये क्या कसब की है तुमने? आप लोग फिक्र मत करें, मैंने माँ जी को सब समझा दिया है कि अब ये पैसे हम सबके दरमियान बांट लेने चाहिए, वरना फिर से कत्ल की साजिश हो सकती है। और मैं तैयार हूँ सब में बराबर बराबर पैसे बांटने के लिए। मेरी प्यारी भाई, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मिठाई खुद लेकर आ। ये तो बहुत अच्छा है, इसको रख देना। रख दे। ये बताएं कि चेक लाए हैं या कैश? कैश है सर, बिल्कुल कैश। चेक बैक पे तो लोग यकीन ही नहीं करते, और हमारी पॉलिसी है कि हम कैश पे काम करते हैं सर। और ये देखें, ये आपका इनाम। ओ भाई बाकी पैसे का है, बाकी का कैश का है? सर ये पूरे पैसे हैं, चाहे तो गिन ले, पूरे 1 लाख है। लाख क्या हूँ, नाम तो 1 करोड़ का था। हाँ पर टैक्स भी तो कटेगा ना। कितना टैक्स काटा है आप लोगों ने, अगर 1 करोड़ का इनाम था? जी 1 करोड़ का तो था, मगर टैक्स कट कटा के यही बचा। अरे मेरी बात आ क्यों नहीं रहे, इतने पैसे कैसे कट गए? सर 70 लाख तो सीधे सीधे चैरिटी में चले गए ना। कौन सी चैरिटी? अरे ये देखें, आपने खुद ही तो साइन किए थे इसमें, और हमारी पॉलिसी है कि सीधा 70% डोनेट कर दिया जाता है चैरिटी में। आपने पढ़ा नहीं, मैंने इनसे कहा भी था कि पढ़ ले। तो बाकी का 30% तो होगा ना, उस पर तो टैक्स लग गया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, गेन टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स सब लग गया, और टैक्स कट कटा के ये बचे 1 लाख रुपए। आप सब लोगों को ये 1 लाख रुपए मुबारक हो। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।